जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मानसून की विदाई होनी अब छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हो चुकी है। बिलासपुर से मानसून की विदाई हो गई है। 3 दिनों के अंतर्गत प्रदेश से पूरी तरीके से मानसून की विदाई हो जाएगी। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून की छत्तीसगढ़ से विदाई होनी शुरू हो चुकी है। विदाई रेखा अब तेजी से आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को पेंड्रा रोड से विदा होने के बाद शनिवार को मानसून की विदाई बिलासपुर से भी हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंतर्गत प्रदेश भर से मानसून की विदाई हो जाएगी। शनिवार सुबह से ही रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। विभिन्न क्षेत्रों में हल्की वर्षा भी रिकॉर्ड की गई। वहीं हल्की वर्षा के चलते वातावरण में ठंडकता बनी है। अधिकतम तापमान सामान्य रहा और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में ठंड की दस्तक भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में इन दिनों बंगाल से नम हवा आ रही है, इसके प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में हल्की वर्षाएं भी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज के दिन भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि मानसून की विदाई रेखा लुमडिंग, कैलाश शहर, बहरामपुर, कानके, बिलासपुर, ब्रह्मपुरी, बुहारा और डहानू है। अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश से विदाई संभावित है। और अब बात कर लेते हैं, 1 नवंबर से राजधानी में राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज होने वाला है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्योता भी भेजा जाएगा। दरअसल हर वर्ष की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया है। इस आयोजन में देश भर के आदिवासी कलाकार शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से सभी राज्यों को न्योता दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को न्योता दिया जाएगा। राज्यों को न्योता देने के लिए प्रदेश के 56 विधायक और उसके साथ साथ नोडल अधिकारी जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने न्योता देने वाले विधायकों की सूची भी जारी कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव को एक साथ करवाने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 1 से लेकर 3 नवंबर तक किया जाना है। हाई कोर्ट के निर्देश का असर अब छत्तीसगढ़ की व्यवस्था पर भी पड़ता दिख रहा है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के रिजल्ट में अभी भी देरी बताई जा रही है। नई भर्ती के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट का निर्देश आने के बाद नई भर्तियों के साथ ही सभी पुरानी भर्तियों के परीक्षाओं के नतीजों पर भी असर पड़ा है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 का रिजल्ट रोस्टर में उलझ चुका है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2021 की भर्ती के लिए 58% आरक्षण के अनुसार सिविल सेवा के पद जारी किए थे। इसके तहत ही रोस्टर बना था, लेकिन अब यहां भर्तियां कैसे होंगी, रिजल्ट किस रोस्टर के आधार पर जारी किए जाएंगे, इसे लेकर आयोग उलझ चुका है। इस संबंध में PSC ने सामान्य प्रशासन विभाग को भी चिट्ठी लिखकर मार्गदर्शन मांगा है, लेकिन वहां से अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिल पाया है। इसीलिए राज्य सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को रिजल्ट के लिए अभी इंतजार और करना होगा। इसके अलावा बात करें नई विज्ञापन कब जारी होंगे, इसकी समय सीमा भी अभी तय नहीं हुई है। आयोग की ओर से अभी हर साल अक्टूबर और नवंबर में राज्य सेवा की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं और इसके लिए PSC ने तैयारी भी की थी। सभी विभागों से प्रस्ताव भी मंगाए थे, लेकिन इस बार तय समय से विज्ञापन जारी होंगे भी नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वही राज्य सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू के नतीजे अभी भी जारी नहीं हुए हैं, इसी वजह से। साथ ही वन सेवा भर्ती परीक्षा में 635 लोगों की नियुक्तियां इसी वजह से अटक गई हैं। और अब बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में एक्टर अक्षय कुमार पहुंचे हुए हैं। इन दिनों नेशनल अवार्ड विनिंग तमिल फिल्म के हिंदी रीमेक की करेंगे शूटिंग। साथ में देंगे एक्ट्रेस राधिका मंदान दिखाई देंगी। दरअसल अभिनेता अक्षय कुमार शनिवार सुबह तकरीबन 7 बजे से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे हैं। अपने चार्टर्ड प्लेन से वे जिंदल एयर स्ट्रिप पर उतरे। उनकी आने वाली फिल्म की शूटिंग 4 दिनों तक रायगढ़ जिले में होनी है। फिल्म की निर्देशक सुधा कोंगरा पहले ही रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। उन्हें जिंदल गेस्ट हाउस में ठहराया गया है।
अभिनेता अक्षय कुमार साउथ की फिल्म सोरराई पोट्रो की रीमेक की शूटिंग छत्तीसगढ़ में करेंगे। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब हिंदी में इसे रीमेक बनाया जा रहा है जिसमें मुख्य भूमिका अक्षय कुमार और एक्ट्रेस राधिका मदान निभाने वाली हैं। शुक्रवार को शूटिंग के लिए 40 लोगों की टीम रायगढ़ पहुंच चुकी है। लोकल लाइन प्रोड्यूसर संतोष गुप्ता ने सारी व्यवस्थाएं की है। शहर के होटल अंश में सह कलाकारों मेकअप आर्टिस्ट फाइटर समेत पूरे क्रू को रुकवाया गया है। नेशनल अवार्ड विनिंग तमिल की सुपरहिट फिल्म सोरराई पोट्रो के रीमेक का हिंदी रीमेक का निर्माण अवधुंतिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है। ईडी का छापा पड़ रहा है और इसको लेकर प्रदेश में सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष चंदेल का कहना है कि ईडी छापे में भ्रष्टाचार का रैकेट खुला, कांग्रेस बोली कि फर्जी प्रेस नोट रमन सिंह ने बनवाया। दरअसल 11 अक्टूबर से जारी छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के मामले में अब सियासत गरमाती नजर आ रही है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ईडी के प्रेस नोट के जरिए सामने आए तथ्यों का हवाला देकर कांग्रेस को घेरा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कह दिया कि ये प्रेस नोट डॉक्टर रमन सिंह ने बनवाया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ईडी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के बाद प्रदेश में बड़ा भ्रष्टाचार रैकेट खुला है। हम सब ने कभी नहीं सोचा था कि आदिवासी किसानों और आम जनता की मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों के संरक्षण में सवाल उठाना छत्तीसगढ़ के लिए राजनीतिक इतिहास में काले अध्याय की तरह है। और अब बात एक क्रांतिकारी परिवर्तन की, जहां पर गूगल मैप के माध्यम से हाईवे की निगरानी करी जाएगी। तुरंत पता चल जाएगा कि किस नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति है। ITMS के कर्मचारी 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। दुर्ग की ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक हो चली जा रही है। वहीं NH पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए गूगल मैप का सहारा लेगी। गूगल मैप देखकर ITMS का कर्मचारी तुरंत पता लगा लेगा कि कहां पर जाम लगा हुआ है। वहां तुरंत पुलिस पहुंचेगी और जाम को रिलीज करवाएगी। दुर्ग के SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक रायपुर नागपुर NH में आए दिन जाम लगने की शिकायतें मिलती रहती हैं और इसके लिए SASP ट्रैफिक विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई है। साथ ही सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है। ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर और अनिश सारथी की टीम ITMS की टीम के साथ मिलकर लगातार काम करेगी। ये टीम गूगल मैप के जरिए NH की निगरानी करेगी। ITMS के कर्मचारी गूगल से तुरंत यह पता लगा लेंगे कि नेशनल हाईवे अंजोरा से कुम्हारी मार्ग में कहां जाम की स्थिति बन रही है और कहां नहीं। ये टीम 24 घंटे इस मार्ग की निगरानी रखेगी। कबड्डी मैच के दौरान एक बार फिर से महिला खिलाड़ी की मौत का मामला सामने आ रहा है। ये लगातार दूसरी इस प्रकार की घटना है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान कोंडागांव में इस प्रकार की घटना हुई, जहां पर BJP का कहना है कि अब समय पर नहीं मिल चुकी है एम्बुलेंस। दरअसल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के दौरान खेले जा रहे कबड्डी मैच में 31 साल की महिला खिलाड़ी की मौत हो गई। कोंडागांव की रहने वाली आदिवासी महिला मैच के दौरान ही मैदान पर बेहोश होकर गिर गई थी। भारतीय जनता पार्टी और महिला के परिजन अब स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से महिला की मौत हुई है। दरअसल बात कहें तो मामला कोंडागांव जिले के मांझी बोर्ड मैदान का है। 14 अक्टूबर को यहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया था और गांव की महिला शांति मंडावी यहां कबड्डी खेलने पहुंची थी। खेलते खेलते ही अचानक वहां कबड्डी मैदान में ही महिला बेहोश हो गई थी और मैदान पर गिर गई। भागकर घर वाले शांति के करीब आए और आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। आरक्षण को लेकर के अब BJP का रण जो है सामने आ रहा है। कांग्रेस की वजह से जनजाति समाज का आरक्षण छीना गया। भाजपा ने की राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग। फिलहाल इस प्रकार की बातें भाजपा ने कही। दरअसल बात करें तो रायपुर में शनिवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा ने पैदल मार्च निकाला। प्रदेश के सांसद विधायक पार्टी के पदाधिकारी एकात्म परिसर दफ्तर से राजभवन पैदल गए। राज्यपाल से मिलकर भाजपा नेताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। घटाए गए आरक्षण को फिर से बहाल करने और जिम्मेदार लापरवाह पदाधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष जो यहां पर सांसद अरुण साव है, इन्होंने पैदल मार्च के बाद जो है शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। साहब ने कहा कि कांग्रेस ने जनजाति समाज के साथ एक बड़ा धोखा किया है। जनजाति आरक्षण कटौती के लिए
कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने एक मुश्त 12% आदिवासी आरक्षण बढ़ाया। 2012 में माननीय राज्यपाल के आदेश से प्रदेश के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय जनसंख्या के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। 29 सितंबर 2022 को कांग्रेस के कार्यकाल में उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। फिलहाल ये सभी बातें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। विधायक निवास घेराव करके एबीवीपी ने मचाया हंगामा। साइंस कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम बनाने का विरोध लगातार किया जा रहा है बहुत दिनों से, बोले कॉलेज को न बनाए प्रयोगशाला, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद किया जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मामला सामने आ रहा है, जहां पर साइंस कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम बनाने के विरोध में लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने जो विधायक शैलेश पांडे हैं इनके निवास का घेराव कर रहे हैं और जमकर हल्ला भी बोल रहे हैं, साथ ही नारेबाजी की जा रही है। इस दौरान पुलिस के साथ छात्र छात्राओं की झूमाझटकी की मामले सामने आए और उन्हें बाहर भी रोका गया। इसके बाद विधायक की गैर मौजूदगी में पदाधिकारी और कार्यकर्ता विधायक शैलेश पांडे के निवास के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स पिछले एक माह से आंदोलनरत हैं, फिर भी उनकी मांगों को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम बनाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे बंद नहीं करने पर एबीवीपी ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। छात्र नेताओं ने कहा कि शहरी नहीं संभाग के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शासकीय ई राघवेंद्र राव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था को देखकर ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के होनहार छात्र हर साल दाखिला लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रमन सिंह को लेकर के बड़ा राजनीतिक हमला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। मुख्यमंत्री ने एक बैंक घोटाले वाले नाको टेस्ट का वीडियो साझा किया है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर लिखा है प्री दिवाली गिफ्ट फॉर भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्यवाही के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक एक करके जंग शुरू हो चुकी है। बीती शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के प्रियदर्शनी सहकारी बैंक घोटाले के आरोपी के नार्को टेस्ट का एक वीडियो जारी किया। इसके साथ उन्होंने लिखा कि हियर इज स्पेशल प्री दिवाली गिफ्ट फॉर भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह। इस वीडियो में इंदिरा प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक घोटाले की कहानी और एक आरोपी उमेश सिन्हा के नाको टेस्ट का वीडियोग्राफी हिस्सा है। और ये घोटाला साल 2007 में सामने आया था, वह भी बैंक बंद होने के बाद। आरोप है कि बैंक प्रबंधन और संचालक मंडल ने 54 करोड़ रुपयों का हेरफेर कर लिया था और इस मामले में आंदोलनों के बाद FIR हुई थी। पुलिस ने प्रबंधन से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सभी जमानत पर बाहर आ गए। उसी दौरान पुलिस ने बैंक के प्रबंधक उमेश सिन्हा का नाको टेस्ट कराया था। इसमें उसने सब बताया था कि मामले को दबाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कुल 4 मंत्रियों को 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर 16 अक्टूबर को निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ आएंगे। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में खड़गे ने सभी डेलीगेट्स के वोट मिलना तय माना जा रहा है। थरूर का कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं बना है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है। शशि थरूर ने भी इस बात को स्वीकारा है कि बड़े नेता उनसे मिलने तक नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी अब तक खड़गे के लिए 4 पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं, लेकिन थरूर के पक्ष में एक भी पोलिंग एजेंट नहीं बना है। बता दें कि यहां पर पोलिंग एजेंट चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। वे जिस नेता के पक्ष में बनाए जाते हैं उसको जिताने के लिए भरपूर प्रचार प्रसार करते हैं और इस दौरान कोई भी होता नहीं दिख रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।